तो कहीं तार सट रहा है तो पूरा आँख का जैसा फड़फड़ा रहा है। 11,000 वाला तार है, तो अल्मोनियम वाला वो तार है, वो वाला आज भी जाना पड़ेगा। अभी दोस्तों डिसाइड हो चुका है कहाँ पर हम लोग गाड़ी खाली करना, जितना पाइप वगैरह कहाँ पर रखना है। तो देख सकते इसी घर के अंदर रखना, अभी सब खाली हो रहा, दिखाते हैं आपको। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, लेबर खाली कर रहा, पसीना पसीना हो जा रहा है, तो कहना है बहुत गर्मी लग रहा है, जा रहे तो ठंडा लगेंगे, ठंडा लगा देते हैं इन लोग को। तो मेरा गाड़ी जो थोड़ा राउंड घूम गया गाड़ी, समय भी टूट गया, तो उसके लेके हमको 2,000 रुपये दिया वो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है, ऐसे तो यहाँ आया हुआ आज हमारा तीसरा दिन हो गया है, अभी तक गाड़ी पूरा खाली नहीं हुआ मेरा। कल तो देखे पिछला ब्लॉग में आप लोग कितना पंगा हुआ एक माल खाली करने में, गाड़ी निकालने में। तो अभी जगह तक पहुँचे हुए हैं, मतलब मेन रोड पर रात में गाड़ी खड़ा कर दिए थे हम लोग, अब यहीं पर रुके हुए हैं। तो पार्टी से बहस चल रहा है कि अब हमको डीजल, अब हमको 20 किलोमीटर बोल के गाड़ी मेरा 50 किलोमीटर घूम गया पूरा। तो सेठ भी पूरा GPS में देख रहा है कि गाड़ी इतना ज़्यादा घूम गया, और हम तेल भी मांग रहे हैं, तेल भी नहीं है मेरे पास। तो उसके लेकर अभी थोड़ा झंझट चल रहा है, ट्रांसपोर्टर से बात हो रहा है, पार्टी से बात हो रहा है। तो हमको यहाँ तेल का पार्टी देगा, तेल का खर्चा देगा, तब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगा फिर। तो ऐसे फिर मेरा गाड़ी भी जाने वाला है नहीं, तो उसी लोग का डिस्कस हो रहा है, फैसला हो रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे। कल तो बहुत आदमी बच गए, हम लोग तार उड़ सभी तो बहुत जगह तार शॉर्ट कर रहा था, तार जो एक्सपायर कर रहा था बहुत जगह, ये सब चीज़ें बहुत घटना हुआ। तो हम लोग मना कर दिए कि अंदर गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं करेला का भुजिया बनाने के लिए। कल को बहुत माथा फेची हो गया ना, जो खम्भे तार टूट रहा है तो पेड़ काट के रोड बना रहा है, तो कहीं तार टूट रहा है तो गाँव वाला लड़ रहा है, तो कहीं तार सट रहा है तो पूरा आँख का जैसा फड़फड़ा रहा है। 11,000 वाला तार है, वो अल्मोनियम वाला वो तार है, वो वाला पूरा नीचे में है, गांव में तो नीचे में रहेगा, तो पूरा सट रहा था। आज भी जाना पड़ेगा, काहे कि आज भी घुसना पड़ेगा। अभी कल हम लोग खाना नहीं बनाए थे, लेट में बनाए थे, और अभी बना ले रहे जल्दी, काहे करेला भुजिया रोटी बनेगा। दोस्तों अपना खाना तो बन गया है, अभी तो हम लोग करेला भुजिया ही बनाया है। तब तक पार्टी का फोन आ गया, सेठ से बात हो गया, तो खर्चा पानी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तभी फिर हम लोग दोबारा जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे जहाँ पहले खाली करने के बात हुआ था, जहाँ से लेबर लोग बैठा था, उसी पॉइंट पे जाना है हम लोग को। अभी तक तो जाना नहीं है, तो वहाँ तक तो उतना दिक्कत नहीं हुआ था हम लोगों को, फिर भी लेबर लोग रहेगा साथ में, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत तार उठाना होगा तो उठा देगा। तो ठीक है चलते हैं दोस्तों, आज खाली करके क्लियर होते हैं। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज चुका है, हम लोग आ गए हैं जहाँ पर खाली करना है। ज्यादा अंदर तो नहीं जाना था, क्योंकि पिछले बार हमको बताया था नगड़ी नाम है बस्ती का, तो इस बार सुपरवाइजर जो है उसको भी झटका लगा है, तो एक दो जगह पैसा भी उसको देना पड़ गया बिजली का। तो इस बार लाइन काट काट के तार उठा उठा के एक दो जगह उठाया, ज्यादा देर नहीं। तो अभी जगह पर आ गए, देख सकते हैं ये गाँव है, तो अभी जगह देखा जा रहा है कि कहाँ पे इसको खाली करना है, क्योंकि पाइप का लंबाई का साइज कुछ ज़्यादा ही लंबा है ना, तो उसके लेकर के मैंने बाहर जगह रखना ठीक नहीं है। बाउंड्री है लेकिन यहाँ रखाएगा तो पूरा गेट उट भी ब्लॉक हो जाएगा, तो ये सब चीज़ देखा जा रहा है, देखते हैं कहाँ जगह देखता है और खाली करवाएगा अभी। अभी दोस्तों डिसाइड हो चुका है कहाँ पर हम लोग गाड़ी खाली करना है, जितना पाइप वगैरह कहाँ पर रखना है, तो देख सकते इसी घर के अंदर रखना, अभी सब खाली हो रहा, दिखाते हैं आपको। दोस्तों गाड़ी खाली होना स्टार्ट हो गया है, अब जा रहे हम खाना खाने के लिए। तब तो रोहित पीछे गिनती कर रहा माल, और फिर हम खाना खा के जाएंगे, तो फिर रोहित आके खाना खाएगा। ठीक दोस्तों हम खाना खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से, और जल्दी खाली भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा माल बचा हुआ है नहीं, कल तो आ ही चुका था आधा, और हम लोग यहाँ से रायपुर निकलना भी है खाली। देखिए अभी हम लोग का गाड़ी खाली हो गया है, आधा से ज़्यादा खाली हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, आज खाली हो ही जाएगा, खाली अब तार का लफड़ा रहेगा। उस्ताद और शुभम तो खाना खा लिया था, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उस्ताद पीछे गए हैं तभी हम खा रहे हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेबर खाली कर रहा, पसीना पसीना हो जा रहा है,
लोग कहना है कि बहुत गर्मी लग रहा था, जा रहे थोड़ा ठंडा लाने के लिए, ठंडा लगा देते हैं इन लोग को, पी लेगा थोड़ा सा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो थोड़ा परेशान हो रहा है वो लोग, और मेहनत भी कर रहा है, लंबा ढोना पड़ रहा है कि दो दो पीस करके। तो देखिए वो बाइक मिला है, जा रहे आगे बस्ती में दुकान है, जाकर लेके आते हैं, ले लिए ठंडा अभी। ये देखिए दुकान में मिल गया है, छोटा सा दुकान है यहाँ पे, अच्छा है, फ्रिज तो नहीं है, बर्फ़ डाल कर रखा हुआ है, बढ़िया लग रहा है, हम भी थोड़ा पी ले रहे हैं, चलते हैं जाकर देते हैं उन लोग को भी, वो लोग पिए, गिलास भी ले लिए उन लोग के लिए। दोस्तों शाम के 5 बजने वाला है, और अपना गाड़ी पूरा खोली हो गया खाली, अब निकलते हैं यहाँ से। अब जाने में भी कुछ कुछ तार वगैरह काम है जो उठाना पड़ेगा, वो तो उठाना ही है, लेके जा रहे हैं लेबर लोग को, खर्चा दे रहे अपने पास से हम कि चलो भाई थोड़ा हेल्प कर दो। तो ठीक है दोस्तों, मेन रोड तक पहुँचते हैं। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुका है और हम लोग निकल गए थे, तो अब निकलने के बाद चाय पीने के लिए टोल टैक्स के सामने वहाँ रुके हुए हैं, और कुछ हमारे ट्रक यूनियन के लोग मिले यहाँ पे, यहाँ चाय पीने रुके हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, चाय बड़ा मस्त बना है, हैं चाय बड़ा मस्त मिला है, और सब गाड़ी लाइन से ही है, सब ऑनर ही है गाड़ी के। आपका अभिषेक? चलिए बहुत अच्छा है, तो थोड़ा चाय पी लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से निकलेगा, ये धर्मत्री जाएगा सीधा ना? सीधा इन दोस्तों रोड का भी जानकारी ले रहे हैं, कैसे जाना है क्या करना है। तो ठीक है अभी चाय पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों चाय पी लिए हैं, माइंड अभी पूरा फ्रेश लग रहा है, क्योंकि वो जो जितना तामझाम था, गाड़ी खाली करना, कैसे पार होगा क्या होगा, ये सब बोधरेशन से दूर हो गए हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग अब रायपुर में, कल तो संडे है, और देखते हैं लोडिंग वोडिंग मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई काम कराएंगे छोटा मोटा, उसके बाद फिर हम लोडिंग का देखेंगे। ठीक है दोस्तों अभी निकल रहे हैं यहाँ से, धर्मतरी जाना है, धर्मतरी होते हुए निकलना है रायपुर, तो चला जाए। अभी देख सकते दोस्तों क्या बोले, अभी शीशा साफ कर रहे हैं यहाँ, कहे कि वहाँ 3 दिन खड़ा था तो साफ उठ नहीं हुआ था, तो अभी साफ उफ कर रहे हैं, कहे कि जलना है ना रात को आज, तो वही साफ कर रहे हैं, अभी साफ उफ करके यहाँ से निकलना है। दोस्तों अभी रात को 11 बज चुका है और हम लोग आ गए हैं करीब धर्मतरी, यहाँ से 50 किलोमीटर है। प्लानिंग हुआ अभी यहीं पर खा पी के सोने के लिए, क्योंकि उधर थोड़ा रायपुर जाने का रहता तो सीधा होकर निकल जाते थे, लेकिन हम लोग को जाना ध्रुव, तो साइड से रास्ता है, वो दिन का रास्ता है, वो जाना हुआ देखा हुआ है नहीं, पूछते पास तो मैं निकलेंगे अपना साइड से। तो ठीक है दोस्तों अभी खाना खाते हैं, खाना ऑर्डर बोल दिए हैं, खाना आता है तो खाना खाते हैं अभी। दोस्तों ये देखिए हमारा सब्जी आ गया, अभी क्या है ना कि इसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो मसालेदार ही साली सेव भाजी खोजता है, मतलब हरा सब्जी वाला अभी इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो सेव भाजी का ऑर्डर मारता ज़्यादा ये। तो देखिए मेरा सब्जी आ गया, चले रोटी खाने के लिए, इसमें थोड़ा झाल झाल खोजता है कि तीखा तीखा मिले, मिल रहा है ना, चलो से मिर्चा ले लो रखा हुआ है। दोस्तों खाना पीना हो गया, अब देख सकते हैं बहुत सा गाड़ी लगा हुआ है इधर अगल बगल में, अब हम लोग यहीं पर सोना है, यहाँ से सुबह उठ के जाएंगे, कल संडे है, लेकिन फिर भी कहीं बात चल रहा लोडिंग का कि हो सकता है कि लोड भी हो जाए गाड़ी, लेकिन वैसे तो हमको उम्मीद कम है, 50% हमको उम्मीद कम लग रहा है, फिर में हो भी सकता है, क्योंकि हमको बोला गया कि जाने के लिए राजनंद गाँव, तो यहीं से धर्मतरी से ही रास्ता कटता है, रायपुर अभी हमको जाना नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। रायपुर जाने का रहता तो चलो कोई बात नहीं, सीधा चले जाते हैं, और ये रोड से कभी गए नहीं है, पहली बार जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आज भी जब हम लोग गाड़ी खाली किए तो कुछ वायर वगैरह उठाना पड़ गया, रास्ता का थोड़ा समस्या आया, तो आप लोगों को लगता होगा कि कल भी यही चीज़ हुआ इनके साथ, आज भी वही चीज़ हुआ है, तो हम लोग बता रहे ना कि हम लोग साथ में ऐसा होता है,
क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग को बोला जाता है कि नहीं बढ़िया पर कल से ठीक है या तार नहीं मिलेगा, तो इसके चलते हम लोगों को खैर कल का उस दिन के जैसा तो नहीं हुआ, आज उसका कोई खास नहीं रहा, ठीक रहा आज भी। तो मेरा गाड़ी जो थोड़ा राउंड घूम गया गाड़ी और उसके बाद समय भी टूट गया, तो उसके लगे हमको 2000 रुपया दिया, वो जो पार्टी जो था वो 2000 रुपया दिया हमको, बोला कि हम भी बोले कि भाई इतना तो तेल जल गया मेरा, समय भी टूट गया। तो वो ट्रांसपोर्ट वाले से पूरा फ़ोन फान किए, पार्टी बातचीत किया तब जाकर मिला, ऐसे तो कोई इतना ईजी देने वाला है नहीं, थोड़ा बातचीत करना पड़ता है इधर उधर। हम तो गाड़ी लेके आने वाले नहीं थे रोड से, हम बोले भाई यही क्रॉसिंग कर दो, तो वो जान रहा था कि वहाँ क्रॉसिंग का मतलब है कि छोटा गाड़ी लगाएंगे तो 8-10 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा, तो इससे अच्छा ड्राइवर को ही 2000 दे दो। तो उस हिसाब से दिया फिर, तो फिर हम गाड़ी लेकर के अंदर आए और खाली करवाए। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कहाँ का लोड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।